तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप पीली मूंग दाल, और इसे मैंने भिगो के रख दिया था और ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है। ये है तुअर दाल, और तुअर दाल भी मैंने 1/4 कप ही लिया है और इसे भी पानी में भिगो के रखा था। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। यहाँ पे है ये चना दाल भी 1/4 कप है, तो चना दाल भी बढ़िया से फूल चुकी है। और ये है उड़द दाल, तो उड़द दाल भी मैंने यहाँ पे 1/4 कप ही लिया है, तो ये भी अच्छे से फूल चुकी है। ये चार दालें हैं और चारों दालों की अपनी अपनी खासियत है, और जो दालें होती हैं वो तो खैर शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप ये इडली राइस। तो ये जो इडली राइस है थोड़े से मोटे से चावल होते हैं, साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे लिया है कसा हुआ नारियल, ये फ्रेश नारियल है। तो देखिए मैंने दालों में से पानी निकाल लिया है। अब ये जो चारों दाल हैं वो हम डालेंगे मिक्सर जार में। तो दाल जो है वो रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह सुबह जल्दी से बन जाता है। तो पहले हम इसे ऐसे ही पीसने की कोशिश करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ही हम पानी डालेंगे, नहीं तो हम पानी नहीं डालने वाले हैं इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है और मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है। तो ये दाल को हम निकाल लेंगे बर्तन में, और जैसे कि आप देखोगे हल्के हल्के चने की दाल है, थोड़ी सी तुअर की दाल दिख रही है, तो ये अच्छा ही है ताकि जब आप खाओ इसे, जब इसको फ्राई करके तैयार करोगे स्नैक को, तो बहुत ही अच्छी बाइट आएगी इसमें। यहाँ पे मैंने छोटा सा मिक्सर जार लिया है क्योंकि अब हमें यहाँ पे चावल को पीसना है। मैंने दाल के साथ चावल को नहीं पीसा है क्योंकि जो चावल है थोड़ा सा वक्त लेता है पीसने में, और ये जो चावल का पेस्ट है यहाँ पे तैयार हो चुका है, और ये दरदरा सा है, एकदम फाइन पेस्ट में नहीं तैयार करना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाला है, तो जैसे आप यहाँ पे इसे छू के देखोगे तो दरदरा सा है, देखिए इस तरह से। तो चावल का ये जो दरदरा पेस्ट है वो भी हम डाल देंगे इस पूरे दाल के जो मिक्सचर तैयार की हमने। अब इसके अंदर डालेंगे ये फ्रेश नारियल। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, तो हरे धनिया की जो मात्रा है थोड़ी ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना तीखा चाहिए है उस हिसाब से चिली फ्लेक्स डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, तो ये भी हम डाल देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिया है कड़ी पत्ता, जिसे मैंने काट लिया है। मैंने यहाँ पे तड़का बर्तन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा तेल, तो करीबन 2 टेबलस्पून तेल डाला है, और ये जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल नहीं है, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है। तो तेल यहाँ पे हल्का सा गर्म हो चुका है, तो ये राई डाल देते हैं 1 टीस्पून, और गैस को हम यहाँ बंद कर देंगे। और इसमें आप डालेंगे हींग, तो हींग बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये जो गर्मा गर्म तड़का है वो हम डाल देंगे बैटर के अंदर। तो ये तड़का गया गर्मा गर्म। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हमें मिलाना है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। इसी बीच हम डाल देंगे इसमें करीबन 1/2 टीस्पून से कम ये हल्दी, जो कि टाटा संपन्न की सेलम हल्दी है, और सेलम हल्दी जो होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी की हल्दी होती है। इसमें बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है, साथ ही साथ में इसका जो रंग होता है वो बहुत ज़्यादा चटकदार सा होता है। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ मिलाएंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो मैं यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नमक आप यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मिला लिया है नमक को, तो ये जो मिक्सचर है तैयार हो चुका है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की शीट ली है और थोड़ा सा यहाँ पे तेल लिया है। तो प्लास्टिक की शीट मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास जो केले का पत्ता है वो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ हाथों में, थोड़ा सा ये छोटा सा हिस्सा ले लेती हूँ, और इस तरीके से इस प्लास्टिक के ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से हमें इसे फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसे मीडियम रखना है, और इस तरीके से उंगली की सहायता से इसे फैला लेंगे, और हमें इसे पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से पलटना है, और बस हमें इसे फ्राई कर लेना है तुरंत।
तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है और आंच को मैंने धीमा ही रखा है। अब ये जो वड़ा है वो हम डाल देंगे और आंच को हमें धीमा ही रखना है। यहाँ पे हमें वड़ा को ब्राउन होने तक तलना है अच्छे से। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, मीडियम सा रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से फूल जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे जो वड़ा है तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा मैंने इसे ब्राउन नहीं किया है। दूसरा बैच हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म तंजूर की बहुत ही बढ़िया सी स्नैक रेसिपी तैयार कर ली है, थवाला वड़ा। तो देखिए बहुत ही कुरकुरा सा है ये और अच्छे से अगर आप इसे बनाओगे तो हल्का सा फूला फूला सा बनता है। आप इसे नारियल की चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है नारियल की चटनी के साथ। तो देखिए इस तरीके से पॉकेट्स तैयार होते हैं और अंदर से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है और बाहर ऊपर क्रिस्पी होता है। तो इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, ऊपर से क्रंची है और बहुत ही बढ़िया सी बाइट आ रही है। क्रिस्पी तो है ही और अंदर से मुलायम है।